गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। उत्तर प्रदेश शासन ने निजी क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए लिए जाने वाले शुल्क 2500 रुपए को घटाकर किया 1600 रुपए। मंडलायुक्त ने कहा, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी विधिक कार्रवाई। प्राचीन सुमेर सागर ताल पर तहसील प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। ताल पर अवैध कब्जाधारियों द्वारा दाखिल रिट याचिका को उच्च न्यायालय की डबल बेंच की पीठ ने किया खारिज। एसडीएम सदर ने कहा, शहर के अन्य तालाबों की भी बनाई जा रही है लिस्ट, जल्द उनको भी कराया जाएगा खाली। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी बाल संस्थान का किया निरीक्षण। अस्पताल में फायर सर्विस का किया जांच। डीएम ने कहा, फायर की जांच के बाद शुरू हो जाएगी मरीजों की भर्ती की प्रक्रिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश शासन के ग्राम विकास आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्राथमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं को निशुल्क स्वेटर वितरण संबंधित बैठक। 31 अक्टूबर तक सभी छात्रों को स्वेटर उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने 5 से 25 सितंबर के मध्य मनाए जाने वाले शिक्षा पर्व की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना से बचाव संबंधित विभिन्न धर्म गुरुओं की बैठक। कहा, अधिक से अधिक कराएं कोरोना की टेस्टिंग, जिससे हो सके समुचित इलाज। महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की प्रगति पर की गई समीक्षा बैठक। कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने एशियाई और सार्क देशों के अध्ययन विभाग के साथ गुरु गोरक्षनाथ ग्लोबल स्कूल ऑफ कल्चर एवं हेरिटेज का रखा प्रस्ताव। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों से की अपील। कहा, शिविर में पहुंचकर कराएं निःशुल्क कोरोना जांच। 9 सितंबर को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने पूर्वोत्तर रेलवे के कार्यों की समीक्षा। सीपीआरओ पंकज सिंह ने कहा, रेलवे की आय बढ़ाने में पूर्वोत्तर रेलवे रहा है अव्वल। गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी को गोला पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा व 200 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने आम जनमानस से की अपील। कहा, जीवन है अनमोल, इसको न समझे कोई खेल, हताशा व निराशा में न उठाए कोई भी गलत कदम। एसडीएम सदर ने किया स्वामित्व योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा। कहा, तय समय में कर लिया जाएगा स्वामित्व योजना का कार्य। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को कोरोना के मिले 256 नए संक्रमित मरीज, 4 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 12,216, एक्टिव मरीज हुए 3,136। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन द्वारा आयोजित जेसी सप्ताह 2020 में किया गया सुजल का उद्घाटन। गरीबों और रिक्शा चालकों में बांटे गए कोरोना बचाव किट। बड़हलगंज पुलिस ने एक देसी तमंचा व 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजनी पुलिस ने टॉप 20 में शामिल शातिर अपराधी को देसी तमंचा के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। संतान की मंगल कामना व दीर्घायु को लेकर गुरुवार को महिलाओं ने रखा जीवित पुत्री का व्रत। विधि विधान से की पूजा अर्चना, बच्चों की लंबी उम्र की मनोकामना। और साउंड एंड लाइट एसोसिएशन के सदस्यों ने अनलॉक में जारी गाइडलाइन में सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने की संख्या को 100 से बढ़ाकर 400 करने की मांग, जिससे चल सके साउंड एवं लाइट और इससे जुड़े लोगों का कारोबार।